फिल्म मेकिंग की बात करें तो अपने आप एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स भी जुड़े होते हैं, तो आपको एज अ फिल्म मेकर डायरेक्ट भी करना है, राइट भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है, फिर लीगल भी सारा देखना है, आईटी भी देखना है, रिलीज भी देखनी है, प्रोडक्शन सबके साथ आपने जुड़े रहना है, क्रू मैनेज करना है, कितना कुछ है। तो इतना कुछ करने के बाद भी खुद के लिए आपके पास टाइम बचता है? हाँ निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं। अभी भी मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना, मेरा फोन बज रहा होगा पक्का, घर से ही फोन आ रहा होगा कि कब आ रहे हो, कब फ्री हो रहे हो, तो टाइम निकल जाता है। आई थिंक आप इतनी अच्छी टीम है, इतने सारे लोग हैं, इतनी अच्छी टीम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर मतलब हर जना अपनी अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, कलेक्टिव टीम एफर्ट है अब जो हम मिलके कर रहे हैं और इन चीजों को कर पा रहे हैं। सबको देखना तो पड़ता है बट काम कर लेते हैं जैसे जैसे हो जाता है। तो आप जो ये वक्त निकालते हैं उस वक्त में क्या करना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? या सबसे पहले तो स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, वो आप इतना आप जिंदगी की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हो ना कि यू वॉन्ट टू मेक लाइफ अल्टीमेटली अपने लिए कितना आदमी जी लेता है, मतलब मुझे मैं तो नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि लाइफ ही सारी फैमिली की है, मतलब आपकी अपनी है ना। वैसे ही मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, मतलब रादर आई वुड ड्राइव द कार माई सेल्फ है ना, और मतलब रादर देन हैविंग अ ड्राइवर एंड तो कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं थोड़ी देर वैसे ही रुक के बैठ गए, कहीं खाने चले गए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वो रिजुविनेट करे आपको एंड फिर आप दोबारा लिखो, और उस दौरान कुछ नया अनुभव हो ही जाता है और उसी अनुभव को फिर फिल्म में डाला जाता है। हाँ नहीं, ड्राइविंग करने की जहां तक बात करें, मैंने कई बार आपकी स्टोरीज देखी हैं जिसमें आप नाइट ट्रेल्स पे होते हो। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा स्टॉकर ना यही है, टीम टूम के तो नाम है, ब्लेम लगा रहा है कि यही स्टॉक कर रहा है। नहीं सर, सवाल है हमारे पास और भी जो टीम ने पूछे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये ना ये मुझे पक्का पता है, ये साजिश है, ये सूत्र जो है ना, ये सूत्रों के बस इसने नहीं वो लेवल कर दिए सूत्र ना करना पड़ता है तो अक्सर हमने देखा सर नाइट ट्रेल्स में आप जाते हो, रेकी करते हो, और मुझे एक किस्सा भी याद आता है। आप मुझे एक दिन रात की बात है, लगभग 8-9 बजे का वक्त होगा, तो मैं 34 सेक्टर से निकल रहा था, तो गुरुद्वारे के बाहर मैंने देखा सर ने कार साइड में पार्क की हुई है और सर ना कैमरा लेके बैन कर रहे हैं कैमरा को। तो मैंने कहा चलो मिलते हैं सर को, मैंने कार रोकी, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो, तो पता चला कि रेकी चल रही है, कुछ नया होने वाला है। तो सर कैसा रहता है अक्सर कि नाइट ट्रेल्स भी हो जाते हैं और रेकी भी हो जाती है, तो मल्टीपर्पज ही हो जाता है सब कुछ? मूड बिल्डिंग कहता हूँ मैं उसको। अच्छा, मतलब मुझे कोई किसी गली या किसी बिल्डिंग या किसी मार्केट या किसी मंदिर गुरुद्वारा किसी के भी आगे से निकलता हूँ, रेलवे स्टेशन के लिए मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग जगह लगती है बस स्टैंड, तो मुझे सेम फ्रेम को या अलग अलग नजरियों से देखने का दिल करता है कि अगर ये फ्रेम मुझे दिखाना हो तो ये मेरी कहानी में कैसे ढलेगा। बिल्कुल। और अगर मैं बस अड्डे को या गुरुद्वारे को या मंदिर को देख रहा हूँ तो वहां पे होने क्या वाला है, सिर्फ फोटो ही थोड़ी खींच के चले जानी है, पेंटिंग एग्जीबिशन नहीं है, फिल्म है ना, फिल्म है। ये फोटो एग्जीबिशन नहीं है ना, तो अगर मुझे गुरुद्वारे का सीन लिखना है या मंदिर का सीन लिखना है या रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड, रोड का सीन लिखना है, तो मैंने सोचना है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे लिखना है। तो वही जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं ड्राइव थ्रू कर रहा होता हूँ, तो समटाइम्स मुझे घर भी जाना होता है, तो मैं रोज वो अपना कस्टमरी रूट नहीं फॉलो करता, मैं कोई और रूट फॉलो करता हुआ चला जाता हूँ, ताकि देखता हूँ कि आज क्या डिफरेंट मिलेगा मेरे को। वही है, यूजुअल चीज में भी कुछ अनयूजुअल ढूंढने की कोशिश रहती है, हाँ तभी तो वो चीज इंटरेस्टिंग लगेगी, नहीं तो वो लोकेशन के आगे से तो आम आदमी रोज निकलता है, उसने उसको खास नजरिए से किस दिन देखना है, क्यों देखना है, किस कंटेक्स्ट में देखना है, वो सोचता रहता हूँ। म्यूजिक सुनता रहता हूँ बहुत सारा, बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, तो फिर वो साथ साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाता है। और भी हम कुछ मजेदार लेके आए हैं, और वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज, उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। नहीं, सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज, पॉडकास्ट, टॉक शोज, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर, और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है। बहुत कुछ आने वाला है RFE की तरफ से, ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आस्क ओजस्वी।